हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का हम सिर्फ धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है। इसके लिए परमेश्वर का हम सभी को धन्यवाद देंगे, ठीक है? मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में, समस्याओं में हैं, बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएँ हैं, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को विश्वास करना है। विश्वास करने की आवश्यकताएँ हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, हमारे आंसू को पोछेगा, हमारी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएँ हैं, क्या जरूरतें हैं। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियजनों, वो महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, राजाओं की राजा है, प्रभु को प्रभु है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में, ठीक है। यदि यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार उसको जिलाएगा। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा दुरंत है, उसी ही के धर्म से भी कोई जीवन मिला है, श्वास आई है। मेरे प्रियजनों, इतना प्रेम परमेश्वर ने हम सभी से किया, उसने साबित करके दिखा दिया। उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में मेरे प्रियजनों कीले ठोकी गई, उसके मुख पर थूका गया, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके मुख पर थूका गया, उसे सिरका पहलाया गया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, उसे 49 कोड़े लगवाए गए। उन 49 कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों उसका मांस तक खींच कर चलाता था, सिर्फ और सिर्फ हम सभी के कारण। जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर उसने कुर्बान कर दिया, उसने जान दे दी। जान लेकर उसने ये साबित करके दिखा दिया कि उसने हम सभी से कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया पिता ने कि उसने जान दे दिया। मेरे प्रियों, आज भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में, तो जरा सोचो आपके लिए कौन लहू बहाएगा, कौन कोड़े खाएगा, कौन मुंह पर थुकवाएगा, कौन अपने सिर के ऊपर कोड़े लगवाएगा, शरीर पर कोड़े लगवाएगा। मेरे प्रियजनों, सिर्फ और सिर्फ वही एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है, जो उसने खुद परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती के ऊपर आया, हम सभी के कारण उसने ताड़ना अपने ऊपर ले ली, जो सजा थी उसने अपने ऊपर ले ली, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। और हमारा परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुना। मेरे प्रियजनों, यदि दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, उदासी में है, बेचैनी में है, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो परमेश्वर हमारे सभी के जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। सिर्फ हम सभी को पवित्र बने रहने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या जरूरतें हैं, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ। हम सभी की मन की बातें परमेश्वर जानते हैं। वो इतने महान यीशु मसीह पापा हैं। मेरे प्रियजनों, उसने हम सभी से बहुत प्रेम किया। परमेश्वर हम सभी के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, संदेह अच्छा ही चाहते हैं और बेहतर चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, ठीक है, हम सभी को विश्वास करना है, इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, ठीक है? ये चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप महान हैं पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर हैं पिता, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है। मेरे पिता,
मेरे प्रभु, इसके लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे समय जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, अनंत काल का जीवन दिया है, नाम लेके बुलाया पिता, आपने कहा है तू मेरा ही है, मैंने तुझे माता की गर्भ से ही चुना है, मैंने तुझे पर चित लगाया है, तू मेरा ही है पिता, आपने कहा है मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूंगा मेरे पिता, आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया पुकारा है मेरे पिता, मेरे प्रभु मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो नहीं जानते होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे स्वामी जो आपने मेरे पिता हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पवित्र आत्मा जी आप हर एक जनों के जीवन में पवित्र आत्मा जी आप काम करिए, आप हीलिंग दीजिए, आप बड़े बड़े काम करिए पवित्र आत्मा जी। हे परमेश्वर पिता आप महान है पिता, आप दयालु मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यश हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। हम प्रार्थना करते प्रिय विश्वास के साथ खास दूर से पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा सच में पवित्र आत्मा जी, जिन्हें कैंसर है, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं यीशु मसीह, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवन में पिता बड़े बड़े काम करिए पिता, इनका जीवन बदल नहीं पाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी हर एक जनों की बीमारियाँ जाएँ, हर प्रकार की कैंसर, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ, हर प्रकार की नाना प्रकार की डेंगू बुखार, मलेरिया जाएँ यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं मेरे पिता यीशु पापा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं पिता, आप माफ़ करिए प्रभु, आप क्षमा करिए, सच में पवित्र आत्मा जी आप माफ़ करिए पिता, यदि आप माफ़ करेंगे तो हम सभी के पाप क्षमा भी हो जाएंगे पिता, आप क्षमा करिए प्रभु, आप क्षमा के योग्य हैं प्रभु यीशु पिता, आप ही कृपया से अधिकार है पिता कि आप ही हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को क्षमा कर सकते हैं। हे परमेश्वर पिता अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, हे परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को मिटा दे, हम सभी के गुनाहों को ढांप दे परमेश्वर। यश हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 अति पवित्र अति पवित्र करुणा में जीजस हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीजस चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने नहीं पिता मेरे प्रभु, जो गरीबी में लिप्त हैं, जूझ रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे यीशु मसीह, सच में पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवन में काम करिए पिता, इनका जीवन बदल नहीं पाए मेरे प्रभु, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए प्रभु, आप इनका जीवन संभालिए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, की गरीबी को, तंगी को, परेशानी को पिता आप दूर करिए पिता, आप दूर करिए पिता, यदि आप दूर करिए पिता आप दूर करने परमेश्वर पिता, बहुत ही जातियों को उद्धार नहीं बनने पाए पिता, ये मांगने वाले नहीं स्वामी, इनके हाथ देने हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक हैं, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया हालेलुया, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जिन घरों में, जिन मनुष्यों के ऊपर, जिन मसीह बहनों के ऊपर हर जादू टोना के बंधन है, हर कराधरा के बंधन है, हर कदरा के बंधन है, हर गंदी बद्रोही दुष्टात्मा के बंधन है, यीशु मसीह के नाम से गंदी बद्रोही दुष्टात्मा के बंधन जल जाएं,
निकल जाए हर प्रकार की गंदी आत्माएं जैन के जीवन से। मेरे पिता जिनके ऊपर हर कला करा धरा के बंधन जय दुटना के बंधन है मैं जला देता हूँ, बंधन जल जाए जल जाए जल जाए जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह रातें में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब जैसे की नींद आ गया अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे पिता आपने प्रार्थना को सुनना है, छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।